मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में जंगलात में लगी आग से मुकाबला करते हुए एक और फायर फाइटर हलाक। वफाकी हुकूमत का ब्रिटिश कोलंबिया में इंतजामिया की मदद के लिए फौज भेजने का फैसला। कनाडा की मुसल्लह फौज की दो टीमें तैनात की जा रही हैं। कनाडा के टैक्स दहिंदगान के महतसिब के दफ्तर में शिकायतों के अंबार लग गए। शिकायत कुनंदगान का कहना है कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी अदा शुदा रकम दोबारा मांग रही है। अप्रैल के बाद से महतसिब के दफ्तर को 60 के करीब शिकायत मौसूल हुई हैं। यूक्रेन का क्रीमिया के पुल पर ड्रोन हमला, दो अफराद हलाक। क्रीमिया का पुल रूसी फौज की सप्लाई लाइन के लिए कुलीदी हैसियत रखता है। रूसी सदर का कहना है कि जरूरत पड़ने पर क्लस्टर बम इस्तेमाल कर सकते हैं। जनूबी कोरिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 39 हो गई। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अमेरिका के कई इलाकों में बदतरीन गर्मी की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. ब्रिटिश कोलंबिया की हुकूमत का कहना है कि सूबे भर में लगने वाली 380 के करीब जंगल की आग से लड़ने के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांगने जाने के बाद फौज की मदद पहुंच रही है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में जंगलात में लगी आग से मुकाबला करते हुए एक और फायर फाइटर हलाक हो गया। हुकाम का कहना है कि शुमाल मगरबी इलाकों में जंगल की आग से लड़ने के दौरान एक फायर फाइटर हलाक हो गया। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की जानिब से कहा गया है कि हमें ये अफसोसनाक खबर बताते हुए अफसोस है कि फोर्ट लियार्ड का एक फायर फाइटर हफ्ते की दोपहर फोर्ट लियार्ड डिस्ट्रिक्ट में जंगल की आग से लड़ते हुए जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। हुकूमत ने फायर फाइटर का नाम नहीं लिया लेकिन लिखा, हमारे ख्यालात इसके खानदान, दोस्तों, साथियों और कम्युनिटी के साथ हैं। ब्रिटिश कोलंबिया की हुकूमत का कहना है कि सूबे भर में लगने वाली 380 के करीब जंगल की आग से लड़ने के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांगने जाने के बाद फौज की मदद पहुंच रही है। बीसी की इमरजेंसी मैनेजमेंट की वजारत का कहना है कि कनाडा की मुसल्लह अफवाज की दो टीमें तैनात की जा रही हैं, जिनमें प्रिंस जॉर्ज की सरबराही में एक लैंड फोर्स टीम और एक एयर फोर्स टीम का मलपूस के लिए रवाना थी। वजारत की एक बयान में कहा गया है कि टीमें तशखीस कर रही हैं जो इजाफी वफाकी वसाइल के लिए तैनाती के मंसूबों से आगाह करेंगी। कनाडा के टैक्स दहिंदगान के महतसिब का कहना है कि उनका दफ्तर कनाडा के शहरियों की दर्जनों शिकायत से भरा हुआ है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के टैक्स दहिंदगान के महतसिब का कहना है कि उनका दफ्तर कनाडा के शहरियों की दर्जनों शिकायत से भरा हुआ है, जिनका कहना है कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी अब भी उनसे वबाई दौर के फवायद की अदायगी के लिए कह रही है, जो वो पहले ही अदा कर चुके हैं। टैक्स दहिंदगान के महतसिब ने कहा कि इस मौसम बहार में टैक्स सीजन के अख्तिताम के बाद से उनके दफ्तर ने गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में कैनेडियनों से सुना है जो कहते हैं कि उनके टैक्स रिटर्न वापस जमा हो गए हैं। फ्रांस बॉयलो ने कहा, यह हमारे दफ्तर के लिए इंतहाई गैर मामूली है। ये पहली बार है जहां हम बहुत ज्यादा दबाव में हैं। दिसंबर में कनाडा के ऑडिटर जनरल ने पाया कि तकरीबन 4.6 बिलियन डॉलर वबाई अमराज जैसे कि कनाडा इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट नाअहल अफराद को भेजे गए थे। बहुत से कैनेडियनों ने देखा कि उनके टैक्स की वापसी रोक दी गई है जब CRA ने उन्हें हासिल करदा फवायद के लिए नाअहल करार दिया था। एजेंसी ने मई में कहा था कि तकरीबन 7,75,000 कैनेडियन से $237 मिलियन टैक्स रिफंड्स और दीगर फवायद वापस लेकर
इकट्ठे किए गए थे। कुछ टैक्स दहिंदगान ने इस पर इख्तलाफ किया है और अपनी अहलियत पर नजर सानी करने को कहा है, लेकिन दूसरे लोग जो कहते हैं कि उन्हें गलती से ज्यादा अदायगी हुई और उसके बाद से रकम वापस कर दी गई है, उनके टैक्स रिटर्न से इनकार किया जा रहा है। अप्रैल के बाद से बॉयलो के दफ्तर ने टैक्स दहिंदगान की तरफ से तकरीबन 60 शिकायत देखी हैं, जिन्होंने कहा कि CRA अब भी इस रकम का ताकुब कर रहा है जो वो पहले ही अदा कर चुके हैं। रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेनी इलाके क्रीमिया के पुल पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे पुल को जज़्बी नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 अफराद हलाक हो गए। जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस के पास भी काफ़ी क्लस्टर बम है जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेनी इलाके क्रीमिया के पुल पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे पुल को जज़्बी नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 अफराद हलाक हो गए। जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस के पास भी काफ़ी क्लस्टर बम है जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया का पुल रूसी फ़ौज की सप्लाई लाइन के लिए कुलीदी हैसियत रखता है। रूस को क्रीमिया से मिलाने वाले पुल पर हमले के बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज के क्रीमिया के पुल पर ड्रोन्स हमले में 2 अफराद हलाक हुए। रूसी वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि यूक्रेनी हमले से क्रीमिया के करीब पुल की सड़क को नुकसान पहुंचा है, पुल के सतूनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरी जानब अमरीका की जानब से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिलने के मामले पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। रूस के सदर पुतिन का कहना है कि अगर हमारे खिलाफ क्लस्टर हथियार इस्तेमाल हुए तो हमें भी जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ये भी कहना है कि तबाही और हौलनाकी के सबब 100 से ज्यादा ममालिक में क्लस्टर हथियारों पर पाबंदी आयद है। वाज़ेह रहे कि रूस से लड़ाई के लिए अमरीका ने यूक्रेन को क्लस्टर गोला बारूद देने का ऐलान किया था, जबकि यूक्रेन ने इस कदम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि रूस के शहरी इलाकों पर उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जहां अब तक हलाकतों की तादाद 39 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी कोरिया में बारिशों और सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 39 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जहाँ अब तक हलाकतों की तादाद 39 तक जा पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में मानसून की शदीद बारिशें जारी हैं, जहां 9 जुलाई से शुरू होने वाली बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। मुल्क के तमाम नशेबी इलाके इन दिनों सैलाब की जद में है, जहां बस्ती और जनूबी इलाका सबसे ज्यादा मुतासर है। हुक्काम का कहना है कि दरिया का पानी बंद तोड़कर शहर में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में 685 मील लंबी सुरंग में पानी भर गया। पानी भरने के वक्त सुरंग में 15 से ज्यादा गाड़ियां और मुसाफिरों से भरी बस मौजूद थी। पीर के रोज शुमाली सूबे के शहर चोंजो के अंडरपास में 13 अफराद डूब गए, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू वर्कर्स अब तक 13 लाशें निकाल चुके हैं, जबकि मजीद अफराद की तलाश का काम जारी है। हुक्काम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। जनूबी कोरिया के सदर योन सिक ने रेस्क्यू ऑपरेशन और बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की है। जनूबी कोरिया मौसम गर्मा के मानसून के दौरान बाकायदगी से सैलाब की जद में रहता है, लेकिन मुल्क आम तौर पर इस सूरत हाल के लिए अच्छी तरह से तैयार होता है और मरने वालों की तादाद आम तौर पर निस्बतन कम होती है। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया भर में मौसमी वाकयात को ज्यादा शदीद और मुसलसल बना दिया। जनूबी कोरिया ने गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड तोड़ बारिशों और सैलाब का सामना किया था, जिसमें 11 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अमरीका की कई इलाकों में गर्मी खतरनाक हद तक पहुंच जाने की पेशगोई की गई है। फ्लोरिडा से लेकर कैलिफोर्निया और वाशिंगटन तक अमरीका की तकरीबन एक तहाई आबादी को शदीद गर्मी की वार्निंग जारी हो चुकी है। दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक कैलिफोर्निया की मौत की वादी में दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।